टू होता है ए वाई वन प्लस बी वाई टू, जहां वाई वन और वाई टू हमें वाई वन इज इक्वल टू वाई आर वन एंड वाई इज इक्वल टू वाई आर टू से ऑप्टेन होता था। उससे हमें दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलते थे। लेकिन यहाँ इफ द इंडिशियल इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, सपोज आर इज इक्वल टू आर वन, वी ऑप्टेन टू इंडिपेंडेंट सोल्यूशन by putting the this value of r in y and del y upon del r. So let us see an example based on it. So example, solve the Bessel's equation of order 0, x y double dash plus y dash plus x y is equal to 0 in series. Solution, it is given that x d square d2y upon dx square plus dy upon dx plus xy is equal to 0. So here x is equal to 0 is regular singular point. So by taking trial solution this one. So by differentiating y with respect to x and getting dy upon dx, d2y upon dx square and y, by putting these all values in equation first, we have initial equations as r square is equal to 0, which implies initial equation have two equal roots, that is 0, 0. Then we will find recurrence relation, which is cn is equal to minus cn minus 2 upon r plus n whole square. यहाँ पे हम लोगों ने इंडिशियल इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन को बहुत एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही हम फाइंड कर सकते हैं जैसे आपने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखा है। तो हम बिल्कुल उसी रूल से इंडिशियल इक्वेशन और रिकरेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने बिल्कुल वही रूल यूज किया है जो आप ऑलरेडी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में यूज कर चुके हो। बिल्कुल वही सारे रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे वाई वन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वाई वन इज इक्वल टू सी नॉट इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर डॉट सिक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये बिल्कुल वही रूल है जैसा आपने इसे पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे यहाँ तक उस रूल को नहीं लिखा है। यहाँ वाई वन के बाद हम डिफरेंट रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ तक आप बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह आप इसे खुद फाइंड कर सकते हैं। To get another independent solution, we have to find out the value of del y upon del x. क्योंकि this time we have equal roots. We have to find out the value of del y upon del r. क्योंकि इस time हमारे पास दो same root है, which is r is equal to 0 and 0. So यहाँ पे y is equal to c naught x to the power r 1 minus x square अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर इंटू आर प्लस फोर होल स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर आर प्लस फोर होल स्क्वायर एंड आर प्लस सिक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे वाई हमने कैसे ऑब्टेन किया है इसे समझने में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो अभी जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन केस थ्री सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप उसमें से इस चीज को देख सकते हैं कि हमें कैसे y फाइंड करना है। सो डेल y अपॉन डेल r हमने यहाँ पे ऐसे फाइंड किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन से। यहाँ पे है हमारे पास y इज इक्वल टू सी नॉट एक्स टू द पावर r 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन r प्लस टू होल स्क्वायर प्लस दिस वन। तो इसका डिफरेंशिएशन हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारा फर्स्ट फंक्शन है एक्स टू द पावर r और सेकंड फंक्शन ये है इनसाइड ब्रैकेट जो भी है। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने किया एक्स टू द पावर r log x। आपको पता होगा कि ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है एक्स टू द पावर आर लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकेंड पार्ट एज इट इज लिखा हुआ है
जो ब्रैकेट के इनसाइड में है, प्लस सी नॉट, अब एक्स टू द पावर आर एज इट इज होगा, और जो ब्रैकेट इनसाइड है उसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे आर के रिस्पेक्ट में. तो अगर वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो गए और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गए, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस टू होल स्क्वायर इंटू माइनस टू अपॉन आर प्लस टू. इन सिमिलर वे फर्दर वी कैन डिफरेंशिएट इट. अब इस इक्वेशन में जो डेल वाई अपॉन डेल आर ऑब्टेन हुआ है उसमें हम आर इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, देन वी गेट अनादर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वाई टू. वाई टू इज इक्वल टू सी नॉट लॉग एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर पॉइंट टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर डॉट डॉट प्लस सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर इंटू माइनस वन माइनस हाफ. तो हमने डेल वाई अपॉन डेल आर में आर इज इक्वल टू जीरो रखा और ये ऑप्टेन किया. अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें मिल रहा है वाई टू इज इक्वल टू सी नॉट लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर टू स्क्वायर डॉट फोर स्क्वायर प्लस सी नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर माइनस थ्री एक्स टू द पावर फोर टू क्यूब फोर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट. तो ये है वाई टू की वैल्यू. वाई वन हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं. तो वाई वन और वाई टू हमने दोनों फाइंड कर लिया और कंप्लीट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है y इज इक्वल टू